रोलन पुलिस मुल्तान ऑफिस में जारी खेलों की सरगर्मियों के सिलसिले में खेलों का आगाज। तर्जमान पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान हाफिज मोहम्मद इरशाद डोगर के मुताबिक एडिशनल आईजी पीएचपी पंजाब के हुक्म पर एसपी पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान डिजन मोहम्मद नसीब की हिदायत पर डीएसपी पीएचपी जिला मुल्तान अब्दुल रहीम खान लगारी की जेर निगरानी पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन के मुलाजमान के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टूर्नामेंट 2020-2021 में हिस्सा लिया, जिसमें होने वाले वॉलीबॉल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पहला मैच जिला मुल्तान और जिला खानेवाल की टीमों के माबीन हुआ, जिसमें वॉलीबॉल मैच में जिला खानेवाल जबकि बैडमिंटन मैच में जिला मुल्तान की टीम फाते रही। इस स्पोर्ट्स इवेंट में तमाम खिलाड़ियों के लिए रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम किया गया। इस मौके पर रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर डीएसपी पीएचपी जिला मुल्तान अब्दुल रहीम खान लगारी ने इजहार ख्याल करते हुए इस स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेने वाले मुलाजमान की हौसला अफजाई की और उन्हें खेलों की अफादियत के बारे में आगाही देते हुए कहा कि जिस्मानी फिटनेस के लिए पेशा वराना सलाहियत के साथ साथ खेलों की सरगर्मियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं। मजीद बरा उन्होंने तमाम खिलाड़ियों को बेहतरीन स्पोर्ट्स मैनशिप का मुजाहरा करने पर शाबाश दी। इस मौके पर रीजनल PRO सैयद रऊफ हसन गिलानी, रीडर तारिक शदाद, स्पोर्ट्स कोआर्डिनेटर मलिक मतीउल्लाह अमान, MTO जिला मुल्तान साजिद अब्बास, मंसूर अहमद, राशिद जवेद अमान और सलमान इजाज भी मौजूद थे। इम्तियाज सोमरू, VSP न्यूज़, जलालपुर पीरवाला।